नमस्कार, मैं सुनील कुमार प्रजापति ट्रिपल एसपी में आपका स्वागत करता हूं। गणित के कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें आपको बताने में मुझे गर्व महसूस हो रहा है, और ये छोटी बातें शायद आप नहीं जानते होंगे। जैसे कि एक -1 में अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा? -1 में 5 से भाग दिया जाएगा तो -1 टाइम जाएगा और ये -5, और चूंकि भाग में इसे घटाया जाता है तो चिन्ह बदल जाएगा तो शेष 4 आएगा। तो माइनस वाले जो भाग हैं, जैसे इसी तरह से -17 है, इसमें 3 से भाग देना है, तो 3 से -17 में भाग देने पर यहां पर जो भाज्य होता है इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि इससे छोटा या इसके बराबर आ जाए, तो -6 टाइम जब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 यानी -18 -17 से छोटा है, और भाग देने की प्रक्रिया में इसे घटाया जाता है इसलिए -1 शेष आएगा और यहाँ पर -4 शेष आएगा, तो शेष हरदम धन होता है। आप बहुत से ऐसे प्रश्न देख सकते हैं जिसमें माइनस में भाग देने पर, जैसे आपको मैं एक और बताऊं, ये -65 है, इसमें 13 से भाग देना है, 13 से भाग देने के लिए -5 इसका भागफल होगा तो ये माइनस होगा, और इसको जब घटाया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, तब ये कट गया तो 0 0 आ गया। तो अगर 13 से -65 में भाग दिया जाएगा तो -5 भागफल आएगा, अगर -13 से और 65 में भाग दिया जाए, देखिए यहां पर -13 है और इससे 65 में भाग दिया जा रहा है, तब ये 5 टाइम जाएगा और ये माइनस आएगा, यहां फिर माइनस लगाना पड़ेगा, तो यहां पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस का भाग इसमें देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन अब घटाया जाएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा और ये फिर 0 आएगा। तो अगर 13 से -65 में भाग देंगे तब भी -5, -13 से 65 में भाग देंगे तब भी -5 इसका भागफल आएगा। तो भाग का ये जो सरल नियम है, देखने में तो बहुत भाग सरल लगता है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें शायद आप मिस कर चुके होंगे, नहीं समझ पाए होंगे, इसलिए मेरा उद्देश्य था कि इन बातों से आपसे परिचय कराऊं। नमस्कार।